और उसके बाद में आपको एक स्पेशल चीज अपने टर्टल के शेल को पॉलिश करने के लिए यूज कर सकते हो। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन हर यूट्यूबर नहीं देता है और वो इन्फॉर्मेशन आपको नेट पर अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे दोनों टर्टल्स, ये है मेरा मेल टर्टल और ये है मेरी फीमेल टर्टल। तो इनको क्लीन करने के लिए आपको चार चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको एक सॉफ्ट ब्रश चाहिए, एकदम ब्रांड न्यू ब्रश इस तरह का। उसके बाद आपको एक थोड़ा सा हार्ड ब्रश चाहिए इस तरह का, जो थोड़ा सा ब्लंट हो। आपको चाहिए होंगे ये बेबी बड्स जो होते हैं, ईयरबड्स जो होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बड्स चाहिए होंगे इस तरह के। एक या दो में आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ल्यूक वार्म वाटर ले लेना है ऐसे एक टब में, जिसमें इनकी पूरी बॉडी अच्छे से डिप हो जाए। उसके बाद आपको अपनी टर्टल को एक एक करके लेना है और सबसे पहले इनके पूरे शेल पे आपको सॉफ्ट वाले ब्रश से ऐसे ऐसे करना, सॉफ्ट वाले ब्रश से। तो बेसिकली हम टर्टल के शेल को साफ इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारा टर्टल पानी में रहता है तो पानी में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, एल्गे होता है और सॉल्ट, कैल्शियम जो भी उसमें होता है, वो सब इसके शेल पे आके चिपक जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा वाइट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये पहली बात तो कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कई बार शेडिंग के वक्त में टर्टल के शेल्स के अंदर सॉल्ट और कैल्शियम वगैरह आके डिपॉजिट हो जाते हैं और एल्गे भी होती है। तो इसलिए हम इसके शेल को ऐसे क्लीन करते हैं। तो आपको थोरली अपने दोनों टर्टल के शेल को पहले सॉफ्ट ब्रश से इस तरह क्लीन कर लेना है। ऊपर से भी और नीचे से भी। नीचे से करते हुए आप ध्यान दीजिएगा कि आप ज़्यादा देर तक इन्हें उल्टा ना रखें, क्योंकि टर्टल्स जब उल्टे रहते हैं तब इन्हें सांस नहीं आती है। तो अगर आप कम समय तक ऐसा करें तो अच्छा है। और ध्यान रखिएगा कि आपको ये वाला ब्रश जो है इनके हेड पे, इनके लेग्स पे या फिर इनकी स्किन पे कहीं पे भी ये वाला ब्रश आपको यूज़ नहीं करना है। स्किन के लिए और लेग्स के लिए और हेड के लिए हम नॉर्मल टूथब्रश यूज़ करेंगे। तब हम आपको ऐसे दोनों टर्टल्स को क्लीन कर लेना है अपने। अब आपको ये हार्ड वाला ब्रश लेना है और फिर सेम उसी तरीके से आपको इसको यूज़ करना है और इसको सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करके। इससे फाइनली आपकी शेल पे, टर्टल की शेल पे जो भी मेजर चीज़ें होंगी सब साफ हो जाएंगी, अच्छे से साफ होगा इससे अंदर से भी। तो बेसिकली एक सॉफ्ट ब्रश अलग और एक हार्ड ब्रश अलग यूज़ करने का पर्पज़ मेरा ये था कि सॉफ्ट ब्रश से जो शेडिंग के वक्त की अंदर की इम्प्योरिटी होती है वो बाहर आ जाएंगी, और हार्ड ब्रश से जो ऊपर मेजर एल्गी जमी होती है, जो या फिर कुछ अगर रफ होता है, कोर्स होता है, तो वो साफ हो जाएगा। सेम आपको करना है, नीचे भी करना है। ये देखिए, ये स्किन शेड हो रही थी, ये भी आ गई है बाहर। तो जेंटली जेंटली अगर आप इसको करेंगे और इसकी स्किन भी शेड होते रहेगी साथ साथ में, निकलते रहेगी जो ऊपर आ रही होगी, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेफ है। अब बारी है बड्स की। तो आपको बड लेना है, टर्टल को फिर से बाहर निकालना है, उसको थोड़ा सा गीला कर लेना आगे से भी और पीछे से भी अच्छे से। इसको गीला करने के बाद आपको जो इसके ये वाले रीजन है सारे, इसके लेग के आसपास के मत ऐसे, हाँ, तो इसके जितने भी ये वाले रीजन है, ये आपको यहाँ आगे सफाई करनी होगी। आपको ये सफाई बहुत ज़्यादा देख के और जेंटली करनी है, क्योंकि इस तरह की सफाई करते वक्त आप अपने टर्टल को हार्म भी कर सकते हो। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से करिए, अगर आप एक्सपीरियंस दे तो ही आप ये करिए।
वरना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। पर आप ये वाला स्टेप करते हुए कभी भी अपने टर्टल के यहाँ पर कभी भी टच मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी स्किन है जो ब्रीथ कर रही होती है। अगर आप उस पर करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे कभी भी आप मत करिएगा, बिल्कुल लेग्स के पास करना है आपको, सिर्फ लेग्स क्लीनिंग के लिए। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, मैंने अपने दोनों ही टर्टल्स को एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये दोनों काफ़ी अच्छे सुंदर लग रहे हैं पहले से। इनके शेल्स के ऊपर जितनी भी एल्गी थी वो सब निकल चुकी है, कैल्शियम डिपॉजिट, सॉल्ट डिपॉजिट सब निकल चुके हैं। और सर बास्किंग के लिए रखना होगा आपको। बहुत बहुत ज़्यादा शाइन हो रही है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए आप, ये अच्छे से शाइन कर रहे हैं। और ये वाले टर्टल पे मेरे आप देखेंगे तो इसकी कलरेशन पूरी अच्छे से निकल के आ रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इनकी बॉडी पे वो शेल शाइनर यूज़ करा है जिसके बारे में आपको शुरू में बताया था। तो अगर आपको शेल शाइनर के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मेरी अगली वीडियो शेल शाइनर के ऊपर होने वाली है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसी पर डालूंगा, तो आप उस वीडियो का वेट करिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और वो शेल शाइनर केवल 5 रुपये में आपको मिलेगा, केवल 5 रुपये में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।